सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया को नेक्स्ट वर्ल्ड्स बेस्ट हब बनाना है हमें चाइना को हटा के, और पोजीशन हमें चाहिए वो चाहिए। सो हमें इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना है, बस सपोर्ट करना है और कुछ नहीं। सो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं टैग वर्व, या फिर आप इन्हें वर्व कह लो। ये बहुत ही मतलब दिखने में काफ़ी गजब दिखते हैं, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सॉफ्टवेयर थोड़ा ठीक नहीं है, पर रिव्यू से पहले हम इनकी अनबॉक्सिंग तो कर ले। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले ये बॉक्स आपको कुछ दिखा रहा है, और टैग की जो हेडलाइन है वो आप कह लो कीप्स यू अहेड। सो नाइस हेडलाइन ब्रो, एंड लेट्स अनबॉक्स क्विकली। सो बहुत तेज करते हुए दोस्तों, ये मैंने रियलिटी में इतना तेज किया, ये कोई एडिटिंग नहीं है। जी हाँ, मजाक कर रहा हूँ। सो ये है द रियल बॉक्स, और हम इस वाले को फेंक के इस वाले पर कंसंट्रेट करेंगे, और इसके अंदर के जो हमारा जो स्मार्ट वॉच है उसे हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी हाइलाइटिंग फीचर्स मिल जाएंगी, और वर्क का पहले आपको यहाँ पर एक बड़ा सा वॉच दिखेगा और हाइलाइटिंग फीचर्स दिख रही हैं। सबसे पहले हाइलाइट लगता है मुझे इसमें का IP68 वाटरप्रूफ, और जो फुल टच डिस्प्ले है वो भी काफ़ी सही है, और इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट भी है अगर आप चेक करोगे बाकी स्मार्ट वॉच की कंपैरिजन में। सो ये हम इसे करते हैं धीरे धीरे पुल आउट, और यहाँ पर लिखा है टैग कीप्स यू अहेड वेल। सो धीरे धीरे हम इसे भी अनबॉक्स करेंगे, और निंजा हथौड़ी की ताकत से करेंगे, और उतना स्पीड के साथ एकदम तेज। क्या आप ऐसा कर सकते हो मुझे कॉमेंट में बताना, पता नहीं कर सकते आप। सो ये द बॉक्स है, और ये क्या है, ऐसा लग रहा है इसके जो भी ऊपर से जो भी कुछ प्रोटेक्शन को लगाया है उसे ऑलरेडी किसी ने प्रोटेक्शन से यूज़ कर चुका है। मतलब सही नहीं है यार, ये चीज़ें कंपनीज को ध्यान रखनी चाहिए, ये अनबॉक्सिंग का फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब कर देता है। सो जो भी हो, हमें तो सिर्फ वॉच करना है, ये तो बाहर का ऊपर का लीड हमें वैसे भी निकाल के फेंक देना है, और ये मतलब मुझे लग रहा है किसी ने ऑलरेडी उसको यूज़ कर चुका है। मतलब क्वालिटी देखो यार इसकी, जो स्टेनलेस स्टील की जो क्वालिटी है काफ़ी सही है, और पीछे चार्जिंग है, और जो आपका हर्ट रेट मॉनिटर है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको जो एज यूजुअल मिलती है बाकी सारे वॉचेस में भी, स्मार्ट वॉचेस कह लो, वायरलेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक आपको शॉट मिल जाएगा जिसमें आपको अपना घड़ी को ऐड करना है, एडजस्ट करना है, और फिर आपका वॉच जो है स्मार्ट वॉच वो चार्जिंग लग जाएगा। सो एज सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कंसंट्रेट इस चीज़ पर करना है। धीरे धीरे हम इसे पुल आउट करेंगे, और एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं, ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तो ठीक ठाक लगा मुझे। सो आते हैं अब वॉच के ऊपर, और वॉच की जो आप इसे स्ट्रैप कह लो, तो स्ट्रैप भी हम इस पर अप्लाई कर लेंगे। उससे पहले जरा देख तो लें, रिंग लाइट लगा के देख रहे हैं वैसे हम। सो तो ये लो, ये है लगा स्ट्रैप, और ट्रांजिशन आप भी बनाओ। सो बूट करते हैं इसे, और हेलो कह रहा है, और बहुत तेज बूट हो गया, एकदम निंजा थोड़ी। सो सही है एकदम, और फिर अब हम इसके सॉफ्टवेयर पे ध्यान बाद में देंगे। ये थे फर्स्ट इम्प्रेशंस, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। O2 है, वेदर, न्यूज़, शटर म्यूजिक, यहाँ पे आपका फाइंड माई डिवाइस, स्टॉप वॉच, अबाउट सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे, पर अब के लिए इतना ही काफ़ी है। और UI जो इसका है वो थोड़ा सा ना आपको समझ में नहीं आएगा, सो आपको नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो ये वॉच मतलब दिखने में काफ़ी सही है, बस जो पैकेजिंग है इनकी वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए, बाकी सही घड़ी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस घड़ी को होल्ड करने में, और हैंड वाइज मतलब हैंड में भी काफ़ी सही एडजस्ट हो जाता है, और बस सही लगा घड़ी। अगले वीडियो आप बताना कि आपको इससे कंपैरिजन भी चाहिए किसी के साथ, या फिर कुछ और। सो शाइनिंग ऑफ।